नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डीके यादव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। लेकिन उससे पहले, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। कि हम एक्सपेक्ट नाजिम कर रहे थे वजीर खजाना इसहाक डार साहब अमेरिका जाने से पहले कि वहां से उनको कोई रिलीफ मिलेगा। कोई रिलीफ मिला नहीं है, बल्कि वहां से वो एक बहुत लंबी लिस्ट लेके आए डिमांड्स की जो IMF ने उनको पकड़ा दी है सारा के उधर से। मतलब आप देखें ना कि चाइना का विजिट शुरू हो रहा है शहबाज शरीफ को पहली को। अब चाइना का विजिट शुरू हो रहा है और वहां पर वो CPAC का रिवाइवल बात कर रहे हैं। अमरीका से ताल्लुक बिगाड़ने की क्या जरूरत थी शहबाज शरीफ फिर कह रहे हैं आज हम वहां कशकोल लेकर जाते हैं, ये तो ऐसे ही है, आ बैल मुझे मार। यानी अब भी समझ नहीं आ रही है, कौम आजादी चाहती है मियां कि आपने जो काम करने थे, कुछ आपने जो कमिटमेंट्स की थी वो तो जो पेंडिंग है वो भी आपने पूरी करनी है, और उसके साथ जो सबसे बड़ी डिमांड इसहाक डार साहब से की गई जब वो अमेरिका गए थे IMF की तरफ से कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी का जो हजम है उसके 0.75% के बराबर नए इजाफी टैक्सेस लगाने, ये कोई रकम बनती है तकरीबन 600 अरब रुपए से भी ज्यादा। ये एक ऐसी डिमांड थी जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को भी देखा जाए तो अनजस्टिफाइड है, और FBR की जो रेवेन्यू कलेक्शन की जो परफॉर्मेंस है उसको भी अगर सामने रखा जाए तो अनजस्टिफाइड है। FBR ने पहले 3 माह में कोई 1600 अरब रुपए से कुछ कम उन्होंने टैक्स इकट्ठा करना था, उन्होंने अपने हदफ से भी 26 अरब रुपया ज्यादा इकट्ठा किया। अक्टूबर में FBR को प्रॉब्लम्स आ रही है, इसके ऊपर हम अगले हफ्ते में बात करेंगे जब उनके 31 अक्टूबर के बाद जो नंबर्स उनके आ जाएंगे कलेक्शन के। IMF की तरफ से अब यह मुतालबा सामने आया है कि हुकूमत पाकिस्तान 600 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस जो है वो लगाए। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि जो हुकूमत ने कमिटमेंट की थी हुकूमत पाकिस्तान ने IMF से कि जो टैक्स टू GDP रेशियो होगी, जो टैक्स कलेक्शन है पाकिस्तान के अंदर जो FBR की, उसका जो अगर इकोनॉमी से उसको आप देखें, उसका मुवाजना करें तो उसका उसके नंबर होना चाहिए 9.5%। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में महंगाई बहुत तेज रफ्तारी से बढ़ी है, बजट के मौके पे ख्याल तक 11.5% इन्फ्लेशन रेट होगा, अब वो है 23% ज्यादा की बात हो रही है। तो नॉमिनल GDP एक चीज होती है जिसमें आप इन्फ्लेशन और जो इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को जब कंबाइन करते हैं तो आपका एक ग्रोथ रेट नॉमिनल आता है, वो पहले कोई एस्टिमेट 16% का था वो 25% का हो गया। याद रहे इसमें प्रोडक्टिविटी आपकी इकोनॉमी की नहीं बढ़ रही है, जो ग्रोथ आ रही है ये इन्फ्लेशन की वजह से आ रही है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज जो है वो बढ़ गया है या बढ़ जाएगा, उसकी वजह से जो टैक्स टू GDP रेशियो कमिट किया था हुकूमत पाकिस्तान ने 9.5% 7,470 अरब रुपए की कलेक्शन के ऊपर, वो अगर 7,470 अरब रुपया इकट्ठा हो भी जाए तो वो 8.9% से भी कम होगा। तो उस फ्रेमवर्क के ऊपर रहने के लिए पाकिस्तान को इजाफी टैक्सेस लगाने की बड़ी मुश्किल डिमांड है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान आमने सामने है, हुकूमत जो है उसकी जो पॉपुलैरिटी आपको पता है बहुत रैपिडली वो इरोड हुई है। इसहाक डार साहब का जो सबसे बड़ा मिशन यही था कि वो महंगाई को कम करेंगे, जो रुपए की स्टेबिलिटी लेके आएंगे, शरा सूद को कम करेंगे, वो तमाम जो उनके अहदाफ है वो भी लगता है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। कामरान, इस वक्त जो सूरत हाल ये बन रही है कि डार साहब आप कुछ भी इफेक्टिवली एक्सचेंज रेट के ऊपर नहीं कर पा रहे। जो रुपया था उसकी कदर आपने देखा कि वो 214 रुपए तक रिकवर, 218 के करीब जाके रिकवर हुआ, वो फिर 223 रुपए का एक डॉलर हुआ है आपका फ्राइडे को। ये इंटरबैंक का रेट है, ओपन मार्केट में 235 रुपए का, और अगर आपने ऑफ द बुक ट्रांजेक्शन करनी है तो रेट उससे भी ज्यादा है। और एक शर्तें लग रही है अब कराची में कि करने तो नहीं चाहिए बात लेकिन कर देते हैं कि जो आपका इंटरबैंक का रेट भी है वो 230 क्रॉस कर जाएगा 10 नवंबर तक। अब ये साहब खुदा का नाम लें, आपने भिकाईपन के अलावा और करना क्या है? यानी भीख के अलावा कोई और काम भी आपको आता है? हर वक्त आपका शिकोल लेके दे दो मुझे दे दो। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरी कौम की इज्जत खराब करके रख दी, और आप कह रहे हैं अमेरिका से ताल्लुक बिगाड़ने की जरूरत क्या थी? भैया आप पिछले 6 महीने से 7 महीने से पाकिस्तान के हुक्मरान है, जाओ जाके ताल्लुक ठीक कर लो, जाओ ना जाके ताल्लुका ठीक कर लो अमेरिका के साथ। बताओ हम तलवे चाटने के लिए तैयार है, हमारी बूट पॉलिश की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है, हम वो भी कर देते हैं, जाके ताल्लुका ठीक कर लें। आप वजीर आजम बने तब उनको वो जरूरत हुई कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर नेगेटिव रिमार्क्स पास किए जो बाइडन ने। इमरान खान जब तक पाकिस्तान के वजीर आजम थे, सख्त मुखालफत के बावजूद जो बाइडन ऐसा स्टेटमेंट पाकिस्तान के बारे में नहीं दे पाया, उसको पता था रिटेलिएट करेगा, जवाब देगा, लेकिन आपके दौर में यह हुआ। तो हमें हकीकी आजादी की जो एक लड़ाई है उसके अंदर पाकिस्तानियों ने एक फैसला किया हुआ है, और ऐसा लगता है कि इस वक्त वो अपना हक
लेकर रहेंगे। वहां पे इस किस्म की बात हो रही है, तो डार साहब की इफेक्टिवनेस के ऊपर बहुत बड़ा सवाल निशान है। ये रियलिटी चेक भी है डार साहब के लिए कि ये 2013 में जब वो वजीर खजाना बने थे और अब 2022 है, हालात काफी बदल चुके हैं। अब दो तीन चीजें हैं, अब ये जो IMF की जो डिमांड है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है, पहले हमने 11.5% के हिसाब से लगाया था, क्योंकि असल वो टारगेट कहते हैं कि टैक्स टू GDP आपने अचीव करना है। एक तो कत नजर इसके जो मौजूदा सूरत हाल है, ये है तो बड़ी आप कह लें लम्हा फिक्रिया भी है, एक शर्मनाक भी है हमारे लिए कि हम इतने अरसे से 75 सालों में 23 करोड़ 22 करोड़ का ये मुल्क है और जो टैक्स टू GDP रेशो है वो 9.5% भी मर मर के अचीव कर रहे हैं और वो भी अचीव नहीं कर पाते। एक तो हमारा अपना इसमें कसूर है। दूसरा जो मुझे इसमें एक जो प्रॉब्लम लगता है कि ठीक है महंगाई की शरह बढ़ी है उसके नतीजे में टैक्स कलेक्शन आपकी बेहतर होती है, लेकिन जो GDP ग्रोथ है आपकी वो भी तो रिवाइज हो गई है ना, ओरिजिनल 5% थी, शायद अब हम 2% भी ना अचीव कर सके, तो इसको कंसिडर नहीं किया है। नहीं, वो ऐसे ही होता है, जो नॉमिनल GDP होती है वो इन्फ्लेशन प्लस रियल GDP ग्रोथ। पहले 11.5% इन्फ्लेशन थी, 5% GDP तो 16% रफली, अब 16.5% था, अब वो हो गया आपका 23% इन्फ्लेशन और 2% GDP 25%, तो ये नॉमिनल साइज बढ़ गया ना आपका। लेकिन प्रॉब्लम ये है जो जिस चीज को FBR इग्नोर कर रहा है कि जो FBR की जो सेल्स टैक्स की कलेक्शन है वो जो इन्फ्लेशन रेट है उससे भी उसका ग्रोथ रेट कम है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल का निशान है। एक चीज सेल्स टैक्स अगर आपका जाहिर है अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आपका लीकेजेस है ना, एक तो लीकेजेस है और दूसरा इसमें एग्जम्पशंस भी कुछ दी हुई। अच्छा, इसमें एक जो क्लैरिटी कर दें, अगर ये 600 अरब मजीद हमें टैक्स इकट्ठा करना होगा तो क्या इसका मतलब है कि ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने की बात कर रहे हैं या दोबारा उसको कैसे करना है? सऊदी अरेबिया की तरफ से वो 10 बिलियन या 12 बिलियन का गालिबन वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो इन्वेस्टमेंट आ रही है और उनके दौरे का इम्कान है, लेकिन क्या इस टर्मोइल में वो दौरा करेंगे? और ये भी एक सवाल है कि वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब होंगे तो यहाँ पर इमरान खान साहब रवानदवा होंगे इस्लामाबाद की तरफ, तो ये एक ऐसा मौका है कि जहाँ पर लाइन नहीं कटनी चाहिए। और मैं जब लाइन नहीं कटनी चाहिए तो मैं कौसर नियाज़ी साहब का, मैं जो माजी की बात कहता हूँ ना तो मैं उसमें फिर वही कहता हूँ कि जी वो मतलब होता है कि तमाम इस वक्त इस सिस्टम के ऊपर चार्जशीट, ये जो सिस्टम है ना निज़ाम, ये इस पर चार्जशीट लगी हुई है। चार्जशीट क्या लगी हुई है? मुल्क में इंतशार, मईशत खराब करने की कोशिश, जो है वो सियासतदान आपस में नाकाम हो गए बातचीत करने में। ये देखें, ये पूरी प्रॉपर चार्जशीट है अगर आप इसको एक उसमें देखें ना, जो मैं कह रहा हूँ इसीलिए कि इनको इनके पास वक्त है कि ये उसको कामयाब करें। खून खराबा हो गया, बात खराब हो गई, मामला हो गया और तो उसके नतीजे में उसके बाद फिर क्या होता है? तो वो एक होता है ग्रे राइनों में हमेशा इस्तेमाल करता हूँ कि चीज़ आ रही होती है, अब से रोक नहीं पाते। अब राणा सनाउल्लाह साहब एक कैसेट चला रहे हैं लेकिन कैसेट में साथ ही कह रहे हैं कि चूंकि वो अली अमीन गंडापुर वो चूंकि KP में है तो यहाँ इस्लामाबाद में होते हैं, हम गिरफ्तार करते हैं, लेकिन तो वहाँ की रियासत जो है वो क्या करती है, खान साहब क्या करते हैं, हुकूमत जो है अब उनको समझ में आ रहा है, लेकिन अब उनकी भी गोज है कि भाई एक मिनट जरा देखें ना, इसहाक डार साहब आए थे तो इस डार साहब को भी शायद अंदाजा हो रहा है कि यार मैं गलत तो नहीं आ गया, मैं बाहर ही सही था, मतलब तो ये क्या होने जा रहा है यहाँ पे, कोई समझ नहीं आ रही। तो ये जो है ना उधर फॉग और इसमें मतलब हमेशा आप कहते रहे कि इमरान खान साहब के बाद ब्लैक होल है, लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि इन 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 वाकयात के बाद भी कोई ब्लैक होल है, कोई पॉलिसी नहीं है हुकूमत के पास, कोई हिकमत नहीं, नहीं, नहीं है? ये देखिए, एक है, एक तो रियासत को आप अलग रखिए ना, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि ये एक इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक चार्जशीट है कि सूबे जो हैं वो अलग वफाक से, उस वफाक सूबों की बात नहीं मान रहा, देखिए ना मतलब अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना, वफाक अलग बात कर रहा है, सूबे अलग बात कर रहे हैं, दो सूबों से वो कह रहे हैं कि जी असला आ रहा है, अच्छा वो कह रहे हैं हमारे पास असला नहीं है भाई। PTI की हुकूमत जो है अपने आखिरी दिनों में, खास तौर से आखिरी साल में, तो एक पेज मंत्रा जो है वो लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि नहीं हमारे मामलाजात जो है फौज के साथ ठीक हैं इस्तेमाल करती रही, लेकिन अब मुझे लगता है कि हकीकी तौर पे इस वक्त की सिटिंग हुकूमत और फौज एक पेज पे है इस हवाले से कि खान साहब को कैसे हैंडल करना है। जय हिंद दोस्तों, IMF अपने पाकिस्तान को नामुमकिन शर्त रखी है, यानी कि पाकिस्तान वो शर्त मान ही नहीं सकता। IMF ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम पर 600 अरब रुपए का टैक्स लगाने के लिए कहा है। ये बात है, पाकिस्तान केवल $1 अरब के लिए अपनी अवाम पर 600 अरब रुपए का टैक्स लगाना पड़ेगा, यानी कि पाकिस्तान के लिए लगभग लगभग नामुमकिन शर्त है।
अब पाकिस्तानी पीएम भीख के जुगाड़ में अब चाइना जाने का प्लान बना रहा है, क्योंकि आपको याद होगा जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है तब से पाकिस्तानी पीएम हर एक जगह घूम लिया, लेकिन अभी तक चाइना नहीं गया है। अब पाकिस्तानी पीएम चाइना जाएगा चाइना से थोड़ा बहुत भीख लेने। अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान को कोई सहारा नहीं दिया है। पाकिस्तानियों ने सोचा था कि अब अमेरिका से हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं तो अमेरिका हमें IMF से पैसे दिलाने में थोड़ी मदद करेगा, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को जूता मारा है। अमेरिका ने जिस तरह से पाकिस्तानियों को बाइडन ने स्टेटमेंट दिया था उससे पाकिस्तानियों की सीधी सीधी पोल खुलनी शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ कैसे रिश्ते हैं। अब पाकिस्तान को एकमात्र सहारा दिखता है, सऊदी अरबिया ने भी पाकिस्तान को कोई पैसे नहीं दिए, पाकिस्तान का एकमात्र सहारा चीन दिखता है, वहाँ से यदि पाकिस्तान को थोड़ा बहुत पैसे मिल सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।